एसआईसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, क्लास नाइन्थ के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास विषय के साथ मैं आपको यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा रहा था। पिछले टर्म पर मैं रूसी क्रांति के बारे में आपको बता रहा था। रूसी क्रांति जो 1905 में रूस के अंदर दस्तक दे चुकी थी, आगे चल करके पेत्रोग्राद में भी जो है 1917 में वह क्रांति दोहराई गई, और 1917 की रूसी क्रांति दो चरणों में घटित हुआ। प्रथम चरण को फरवरी क्रांति एवं द्वितीय चरण को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, और यह क्रांति दो चरणों में लड़ा गया। फेस वन की जो क्रांति वह फरवरी क्रांति कही जाती है, और फेस टू की जो क्रांति है वह अक्टूबर क्रांति कही जाती है। इसके पीछे दो कारण हैं। ये जो फरवरी क्रांति कही जाती है ये ओल्ड स्टाइल के अनुसार, मतलब जूलियन कैलेंडर माना जाता था रूस में, जो वर्तमान कैलेंडर से 12 दिन बिफोर था। एक्चुअली वो क्रांति 8 मार्च में हुई थी न्यू स्टाइल के अनुसार, और इसी तरह से जो दूसरे चरण का जो क्रांति था वह अक्टूबर में हुआ था ओल्ड स्टाइल के अनुसार, लेकिन न्यू स्टाइल के अनुसार वह नवंबर में माना जाता है। तो फेस वन में प्रथम चरण में जो क्रांति हुई वह किस प्रकार शुरू हुई इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पेत्रोग्राद में कई तरह की समस्याओं को लेकर 50,000 कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। पेत्रोग्राद जो पहले कभी सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता था, लेकिन आगे चल करके उसका नाम पेत्रोग्राद हुआ, और उससे आगे चल करके फिर लेनिनग्राद हो गया था उसका नाम। तो 50,000 कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, सार्वजनिक जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहे थे। जार निकोलस द्वितीय ने सत्ता का परित्याग कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि कहीं क्रांतिकारी जो है हमारी हत्या न कर दें, और अपने भाई माइकल को ऑफर दिया राजा बनने का, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि फ्रांस में क्रांति हो चुकी है और अगर मैं राजा बना तो मेरे जान के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया और राजा नहीं बना। राजा के सत्ता त्याग के बाद सत्ता पर ड्यूमा का अधिकार हो गया, ड्यूमा जो उस समय फ्रांस की संसद को कहा जाता था। एक समाजवादी लोकतांत्रिक प्रोविजनल अस्थायी सरकार की स्थापना हुई, और ये जो प्रोविजनल सरकार थी, यह जो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में दो पार्टियां थी, एक बोल्शेविक थी और एक मेंशेविक थी, तो मेंशेविक दल ने जिसका नेता केरेंस्की था उसके नेतृत्व में रूस में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। इस सरकार में केवल मेंशेविक शामिल थे, इसलिए यह शुद्ध रूप से मेंशेविकों की सरकार थी। केरेंस्की इस सरकार का मुखिया था, और यानी प्रधानमंत्री था। सरकार द्वारा की गई गलतियां, केरेंस्की जो पाला ये क्या कहते हैं, केरेंस्की सरकार का जो प्रधानमंत्री था उसके सरकार के द्वारा दो गलतियां की गई। इस सरकार ने चुनाव नहीं कराए जिसकी मांग लंबे समय से ही हो रही थी। वो प्रधानमंत्री तो बन गया लेकिन आगे चलकर के उसने चुनाव नहीं कराया, लेकिन इसकी मांग लंबे समय से रूस के अंदर हो रही थी, और रूस के लोग रूस में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना चाहते थे। युद्ध समाप्त, लेकिन मेंशेविकों का कहना था कि जब तक विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं होंगे। आर्थिक तंगी के चलते रूस के लोग चाहते थे कि रूस विश्व युद्ध से हट जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद फेज टू में द्वितीय चरण में जो क्रांति है उसको अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, और 1917 में ये क्रांति अक्टूबर के महीने में हुई, लेकिन इसी को जो है फरवरी क्रांति के नाम से भी नवंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब बोल्शेविकों की क्रांति शुरू होती है, और उन्होंने केरेंस्की सरकार से कई मांग की, और उनका नेतृत्व बोल्शेविकों का नेता
टाटस्की कर रहा था। टाटस्की क्यों कर रहा था? क्योंकि टाटस्की ने कहा कि सरकार देश के अंदर सुधार करे एवं प्रथम विश्व युद्ध से हट जाए, क्योंकि इससे देश का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से बहुत ज्यादा संख्या में रूसी सैनिक मारे जा रहे थे और बहुत सारे सिविलियन भी मारे गए थे। तो सरकार मांग नहीं मानी और बोल्शेविकों पर प्रतिबंध भी लगा दिया, उनके ऊपर बैन भी लगा दिया और उनके नेताओं को जेल में डाल दी। एक तो सरकार गलती कर रही थी और दूसरे कोई मांग करने पर या जो विपक्ष था उसको वह जो जेल में भेज रही थी। सरकार को अपदस्थ करने की चेष्टा किया गया किसके द्वारा? बोल्शेविकों के द्वारा, बोल्शेविकों द्वारा नहीं सॉरी। इसी बीच अगस्त के महीने में सेना ने करेंसकी सरकार को अपदस्थ करने की चेष्टा की, जो रूस की सेना थी। सरकार के पास अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई सेना नहीं थी, कोई उसके पास सेना नहीं थी, इसलिए वह अपनी बचाव करने के लिए बोल्शेविकों से मदद मांगी। जो उनके दुश्मन थे उन्हीं से उन्होंने जो है मदद मांगी। बोल्शेविकों की लाल सेना, रेड गार्ड जिन्हें कहा जाता था, सरकार को तख्ता पलट से बचा लिया। ये जो रेड गार्ड थे यह जो है ये जो लाल सेना थी यह बोल्शेविकों की मिलिशिया लड़ाके थे, मिलिशिया थे, ये हथियारबंद गिरोह था जो बोल्शेविकों के लिए काम करता था। पलट को नाकाम करने के बाद रेड गार्ड्स पेत्रोग्राद में ही रुके रहे, वहीं वह रुक गए। बोल्शेविकों पर जब प्रतिबंध लगाया गया था तो लेनिन देश छोड़ करके बाहर चला गया था, लेनिन देश में नहीं था और यही वजह है कि बोल्शेविकों का नेतृत्व उसमें ट्राटस्की नामक नेता कर रहा था। लेकिन इस घटना के बाद लेनिन वापस आता है और जनता के समक्ष एक प्रसिद्ध भाषण देता है, एक बहुत ही ओजस्वी भाषण देता है और यह काम हुआ पूरे देश में, पूरे रूस के अंदर घूम घूम करके किया और जो भी करेंसकी की सरकार की या ये जो मेंशेविक जो थे इनकी जो भी गलतियां थी उनको जो है वह बता रहा था और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रूस के लोगों के ऊपर पड़ रहा था और बहुत ज्यादा वह रूस के अंदर लोकप्रिय होता जा रहा था, समर्थन करती है पूरे रूस के अंदर जो सोवियत थे। सोवियत का मतलब जो मजदूरों के संघ थे, जो कारखानों में काम करते थे, वे बोल्शेविकों के समर्थक थे और जब जब जरूरत पड़ती थी ये सोवियत या ये जो बोल्शेविक थे ये इनका जो है मदद करते थे, इनका समर्थन करते थे। इन्हीं सोवियतों की मदद से सरकार, मतलब जो करेंसकी की सरकार थी, जो मेंशेविकों की सरकार थी, उस सरकार को बदल दिया गया। यह एक रक्तहीन क्रांति थी, बिना खून खराबे के करेंसकी की अस्थायी सरकार को बदल दिया गया, मतलब सत्ता से उसको हटा दिया गया। 24-25 अक्टूबर की रात्रि में लेनिन ने अपनी लाल सेना को आज्ञा दी कि पेत्रोग्राद के सभी सरकारी भवनों जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक, टेलीग्राफ ऑफिस इत्यादि पर अधिकार कर ले। इसने आदेश दिया, लेनिन ने आदेश दिया। बोल्शेविकों ने धीरे धीरे रूस के सभी बड़े बड़े शहरों और उनके दफ्तरों पर अधिकार कर लिया और यहीं से बोल्शेविक दल सत्ता में आ गया और इसका जो है बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं रूस पर प्रभाव पड़ा बोल्शेविकों का जब सरकार आया और लेनिन सत्ता में आ गया। अब इसके प्रभाव के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।